नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज पहले से ही बता दूं, दोस्तों इसमें मैंने एक अपॉर्चुनिटी लाया हूं जो सिर्फ और सिर्फ एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए भी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी भाई बहन या फिर कोई भी सीनियर या जूनियर जो एमबीए कर रहा हो या फिर जिसने एमबीए कर लियो, तो उसके साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल टेक एंड टारगेट पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो एक बार हमारा चैनल भी जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपने चैनल पर जॉब अपडेट्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। और हमारे दो टेलीग्राम के चैनल है, दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उन दोनों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इन अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन डिटेल बताता हूं। तो दोस्तों ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये ऑलरेडी हायरिंग हो चुकी थी 2-3 हफ्ते पहले। कांतन ने ये चीज निकाल दी थी, बट इसका अभी तक बहुत लोगों के पास टेस्ट लिंक नहीं आया था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो मुझे लग रहा है, जैसे कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा निकाला है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों इस बार ये लोग मास हायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पहले सारे जितने भी एप्लीकेंट है जो भी एलिजिबल होने वाले हैं उनका एक साथ फॉर्म ले रहे हैं, फिर शायद एक साथ लगातार दोस्तों ये सभी आप सभी को टेस्ट लिंक भी भेजेंगे। तो दोस्तों कांतर यहाँ हायरिंग कर रहा है एनालिस्ट पोजीशन के लिए, और दोस्तों आप देख सकते हो 22 जून को ये पोस्ट किया गया है और 25 ऑफ जून इज द लास्ट डेट। तो बात करते हैं दोस्तों, ये आप कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं पोजीशन बता देता हूँ, एनालिस्ट जॉब लोकेशन बैंगलोर। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों कांतर इज हायरिंग फॉर एनालिस्ट फॉर बीई बीटेक एनी स्ट्रीम। तो दोस्तों सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली है, साथ ही साथ बीएससी स्टैटिस्टिक्स 2020 एंड 2021 बैच ग्रेजुएट्स। जॉब टाइप की बात करता हूं तो फुल टाइम सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड नो। स्किल्स रिक्वायरमेंट एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात करता हूं तो दोस्तों नॉलेज अबाउट बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो दोस्तों आपको डेटा एनालिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, अबिलिटी टू एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस, अबिलिटी टू थिंक एनालिटिकली एंड शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर इन एनी कंडीशन। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों आपकी होनी चाहिए। एडवांस स्किल्स इन एक्सेल सास आर वुड बी प्रेफर्ड। गुड एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू लर्न शुड बी अ टीम प्लेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। दोस्तों यहाँ आपका डेटा पर काम रहने वाला है मेनली, जैसा कि आप देख सकते हो हैंड्स ऑन विद प्रोग्रामिंग मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन टूल। तो दोस्तों अगर आपको डेटा पर आता है, मीन्स अगर आपको पाइथन आती है, मशीन लर्निंग आती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप डेटा मॉडल्स पर काम कर सकते हो, या फिर डेटा को आप विजुअलाइज कर सकते हो यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज लाइक NumPy, Pandas। फिर बात करते हैं दोस्तों विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट टू गेट टू द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो दोस्तों मैंने पहली बता दिया बीई बीटेक विद एनी स्ट्रीम, दोस्तों कोई भी ब्रांच के सिर्फ में एलिजिबल है, दैट इज सिविल मैकेनिकल केमिकल इजी ट्रिपल ई, हर कोई इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों 2020 एंड 2021 बैच, अ मिनिमम एकेडमिक स्कोर ऑफ 60% इन 10th एंड 12th, अ मिनिमम स्कोर ऑफ 60% इन ग्रेजुएशन। स्टूडेंट विद बैकलॉग आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस विद कांतर। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी बैकलॉग है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। प्रिफर्ड कैंडिडेट जोस हु हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग पाइथन एंड आर स्किल्स। दोस्तों अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है मशीन लर्निंग पर, डेटा एनालिटिक्स पर, पाइथन पर, आर पर, तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। सीटीसी की बात करता हूं तो दोस्तों 4 LPS। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता हूं तो दोस्तों पहला आपका एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, और दोस्तों जो आपका लिंक आएगा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसका दोस्तों जो मेल है वो ये वाले मेल से आने वाला है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। टेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों माय एनाटॉमी होने वाला है। टेक्निकल इंटरव्यू है, फिर दोस्तों एचआर इंटरव्यू है। ऑनलाइन टेस्ट विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द टेस्ट शुड बी अवेलेबल फॉर द फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस। कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ज्वाइनिंग। तो दोस्तों यहां आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इस फॉर्म का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो दोस्तों यहां जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट लोकेशन, कॉलेज, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम, ब्रांच, डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग। तो दोस्तों ऐसे कर आपको पूरा फॉर्म फिल कर देना है। तो जल्दी जाइए दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करिए। हमें दोस्तों आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी बता देता हूं, ये भी दोस्तों कांतर कंपनी की तरफ से आई है। यहां दोस्तों हायरिंग हो रही है कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट की। तो दोस्तों इसकी भी लास्ट डेट
25 जून होने वाली है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। लोकेशन दोस्तों यहाँ बैंगलोर है। कांतर इज हायरिंग फॉर कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट फॉर एमबीए 2021 बैच ग्रेजुएट्स। दोस्तों जॉब टाइप फुल है, नो सर्विस बॉन्ड, दोस्तों कोई भी बॉन्ड नहीं मिल रहा है आपको। प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स एमबीए ओनली 2021 पास आउट आर एलिजिबल फॉर सीनियर कंसल्टेंट प्रोफाइल। दोस्तों दो प्रोफाइल है, कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट। तो दोस्तों अगर आपको सीनियर कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो दोस्तों आपके पास एमबीए के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, मिनिमम एकेडमिक स्कोर ऑफ 60% इन 10th एंड 12th एंड मिनिमम ऑफ 60% इन ग्रेजुएशन। स्टूडेंट विद एक्टिव बैकलॉग्स आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस विद कांतर। तो दोस्तों आपकी नॉलेज होनी चाहिए रिटेल में, एफएमसीजी पर, सीपीजी पर, गुड एट एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स लाइक एडवांस एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई, सीक्वल, आर, टेबुलो। तो दोस्तों अगर आपको इन टूल्स की नॉलेज है तो आपको एडवांटेज मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पर, और साथ ही साथ दोस्तों आपको टेक्निकल एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट में। दोस्तों यहां आपके एडवांस एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई, सीक्वल, आर पर क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों यहां 2 प्रोफाइल है और अलग अलग पैकेज है, 7.5 LPA एंड 9 इन LPA तक का दोस्तों आपको यहाँ पैकेज मिल रहा है। सेम प्रोसीजर है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि मैंने आपको पहली जॉब का बताया, जैसा कि टेस्ट प्लेटफॉर्म, MyAnatomy, टेक्निकल इंटरव्यू है, फिर HR इंटरव्यू है, पहला ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसका लिंक दोस्तों ये वाली आईडी से आप सभी के पास आने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट का जो मेल है वो उन्हीं पर आएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने वाले हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द टेस्ट वुड बी अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू। तो दोस्तों अगर आप पहला राउंड क्लियर करते हो तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाओगे, फिर दोस्तों यहाँ इमीडिएट ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे आपको अप्लाई करना है, इस फॉर्म का भी लिंक दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो इसमें भी जरूर अप्लाई करिएगा। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिएगा, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट लोकेशन, कॉलेज, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बाकी दोस्तों आपको ये सब भरकर इस पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एक जगह दोस्तों बीई, बीटेक, बीएससी ग्रेजुएट्स को मिलने है 4 LPA, साथ ही साथ दोस्तों एमबीए ग्रेजुएट्स को मिलने वाला है 7 से 9 LPA तक का पैकेज। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो, दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड, जूनियर, भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।